फतेहपुर के खाला कोतवाली किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना नदी पर बांधा फतेहपुर जनपद को जोड़ने वाला इकलौता पीपे का पुल है, जिसे सरकार प्रतिवर्ष बनवाने का काम करती है, लेकिन गैर जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों ने तो हद ही कर दी, जिसका खामियाजा इस जोखिम भरे पुल से निकलने वाले लोगों और क्षेत्रीय जनता को भुगतना पड़ता है। आए दिन यह पीपे का पुल बिगड़ता रहता है, लेकिन भारी दुर्घटनाओं के बाद भी अस्थायी सेतु निर्माण कार्य कराने वाले कर्मचारियों अधिकारियों सभी एक दूसरे के भरोसे जिम्मेदारी देकर पीपे के पुल को राम भरोसे यमुना नदी में तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। रूह कपा देने वाली खबर जब सामने आती है तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मन में लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति ग्लानी पैदा होती है, लोगों के दिलों में भय का माहौल बन जाता है। इस घटनाक्रम से लोगों का मन दहशत से भर गया है। सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आए दिन ऐसी ही असामयिक घटनाओं को पीपे का पुल अंजाम देता रहेगा। सबकी नजर के लिए फतेहपुर ब्यूरो प्रमुख शरण कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई है पुल पे? ये ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से आ रहा था नीचे ढाल की तरफ। हाँ, उधर से आया था। अच्छा, फिर उधर से आया था, यहाँ पर एक मोटरसाइकिल थी तो मोटरसाइकिल को बचाने के लिए वहाँ से ब्रेक मारा तो इसमें हो गया, मतलब संभाल नहीं पाया, इधर चला गया। तो ट्रैक्टर ट्राली दोनों पानी पे है? हाँ, इधर यहाँ पर गया दोनों यहाँ। तो ड्राइवर भी अभी गायब है, नहीं मिला है? गायब अभी मिला नहीं है, यहीं पर डूबा। तो उधर से ईंट लद के आ रहे थे कि खाली थे? हम लोग वहाँ पर थे, ये नहीं देखा कि खाली था कि भरा था। तो ट्रैक्टर मालिक, आप कहाँ रहने वाले हैं? किशनपुर रोहताना से। क्या नाम है आपका? कितने समय घटना है? अभी 15 मिनट पहले की है। अभी तक लापता है, कोई घटना नहीं, कोई सूचना नहीं मिल पाई है। ये अभी 6:30 बजे घटना है।